अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले साल मदर्स डे पे मैंने अपनी अम्मी को फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी थी और इससे पहले वो मैनुअल वॉशिंग मशीन यूज़ करती थी। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो अ लॉट ऑफ यू मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और आप जानना चाह रहे थे कि मेरी अम्मी का इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि उनको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी और उनका एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो अम्मा हमें बताएं कि आपका एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था इस मशीन को देखने के बाद। फर्स्ट इम्प्रेशन तो पता चली गया सबको कि बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैं बहुत इसको देख के इसका साइज़ देख के मैं बहुत परेशान हुई कि तो इतनी छोटी सी है, मेरे कपड़े तो ज़्यादा होते हैं और मैं कैसे धोऊंगी, मैं इसको सेट कैसे करवाऊंगी, इसका पानी का सिस्टम, इसका ड्रेन का सिस्टम, ये सारे सवालात जो थे ना वो मेरे दिमाग में बड़े परेशान हो, फिर गुस्सा भी कि क्या किया, मेरी चीज़ हटा दी, ये लगा दिया, ये ये कर दिया। लेकिन फिर मैंने जब इसकी सेटिंग हो गई, इसका ड्रेन का, इसका पानी का सिस्टम ठीक हुआ तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। लेकिन एक बात फिर भी मेरे दिमाग में थी कि मशीन इतनी छोटी सी है देखने में और इसका टब भी इतना छोटा है, क्योंकि मेरी मशीन तो पहले बहुत बड़ी सी, उसका टब बड़ा सा था। वो बेशक ऑटोमेटिक नहीं थी लेकिन उसका बहुत सारा बड़ा सा टब था और कपड़े बहुत धुलते थे। लेकिन मैं बड़ी फिर उसके बाद ना वो हुई कि मुझे क्या करूँगी, मैं इतने से कपड़े डालूँगी, क्या होगा, पानी बहुत खर्च होगा, बहुत सारे सवाल। लेकिन जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डाले तो ये छोटी नन्ही सी जान बड़े काम की निकली तो ये इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान और ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये दबाओ तो वो दबाओ, बहुत आराम। और जब मैं इसको धो लेती हूँ दो तीन वॉश, तो मैं इसमें से इसके फिल्टर हैं दोनों साइड में, तो मैं ये निकालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर दो से तीन धुलाइयों के बाद मैं इसको साफ कर लूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अच्छा तजुर्बा रहा और अब मैं इससे बड़ी मुतमईन हो गई और अब आदी भी हो गई इसकी। तो ये इसकी सफाई का तरीका तो बहुत आसान है, यहाँ इसको निकाल के रख दें। इसके लिए होता है कि आप दो धुला लें, इसके अंदर जो धागे वागे हैं, जो गंद है, वो सब इसमें से निकल जाता है आराम से। ठीक है, देखेंगे इसमें ना दो तीन वॉश हो चुके हैं, तो अब ये जो है इसके अंदर ये सब नजर आ रहा है आपको, ये सब निकाल देंगे, धुलाई करेंगे इसकी और इसको फिर हम दोबारा से सब निकल रहे हैं, साफ सुथरी हो जाएगी और फिर ये लग जाएगी। तो आप इसमें कपड़ों के अलावा और क्या क्या धो लेती हैं? नहीं, मैं इसमें ना इस नन्ही से जाकर बहुत गलत कर चुकी हूँ, मैं इसमें कपड़े भी धोती हूँ अपने, जो मेरे जैसे हम बड़े हैं हमारे कपड़े देखो कितने बड़े हैं, छाल धोने के अलावा मैं अपने कमरे के पर्दे इसमें मैं धो लेती हूँ, दो पर्दे आराम से इसमें धुल जाते हैं। इसके अलावा मेरी चादरें हैं, बेड कवर है, ये सब चीज़ें जो भी घर के इस्तेमाल की चीज़ें, टॉवल्स हैं, ये सब धो लेती हैं आराम से, सुकून और आराम से सब काम हो जाते हैं। जो मैं पहले परेशान थी ना कि मैं अपनी मशीन को छोड़ते हुए मेरा दिल दुख रहा था बहुत सारा, लेकिन अब मुझे नहीं हुआ, तो उसके मेरी मशीन जो है वो सारे काम जो करती थी वो बेचारी ये कर देती थी। मेरी मासूम छोटी सी और मेरी जगह पे भी फिट आ गई, जो मेरे बाथरूम का सबसे बड़ा मुझे ये भी इशू था कि मेरे बाथरूम में इतनी जगह नहीं है, कैसे लगाऊंगी मैं, कहाँ लगाऊंगी इसको, इसका ड्रेन का इशू होगा, सब कुछ कोई ऐसा इशू नहीं है। और अब इसको लगाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसके अंदर एक बना हुआ है, इसके आपने इसको फिट कर दिया और इसको बस ये बंद हो गया, लग गया इसमें। इस मशीन की कैपेसिटी है 8.5 kg और अगर आपको विजुअली देखना है कि 8.5 kg कितना होता है, तो इसमें तकरीबन 7 से 8 जोड़े बड़े आ सकते हैं। तो 7 से 8 जोड़ों का मतलब ये होता है कि आपके 14 से 16 कपड़े जो हैं वो आप एट अ टाइम धो लेते हो। अच्छा, आप एक हफ्ते में कितनी दफ़ा मशीन? मैं मेरी असल में क्योंकि फैमिली में हम छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो हम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये लगा लें। इतने सारे कपड़े डालने के बावजूद भी इसमें अभी जगह मौजूद है, तो जो ये मैं इतनी ही डालती हूँ ताकि मैं फिर सही से धुल जाएँ और आराम से धुल जाएँ, लेकिन अभी भी हम चाहें तो इसमें एक आध कपड़ा और भी डाला जा सकता है। तो ये अच्छी खासी ठीक ठाक है इसके अंदर कैपेसिटी। मैंने इसके लिए एक नाप बना ली अपनी कि मुझे कितनी नाप इसके अंदर डालनी है, ये मैंने इसके साथ फिक्स कर लिया है, तो मुझे इसका कोई इशू नहीं होता कि मैं कितना सर्व डालूं और क्या डालूं। ये यहाँ मैं सर्व डाल देती हूँ और इसके साथ मैं इसमें ये सॉफ्टनर, इसको मैं नाप के डाल देती हूँ इसके साथ और बस फिर मेरे कपड़े आराम से धुल जाते हैं, मेरा काम यहाँ ख़त्म, बाकी मशीन का काम शुरू हो जाता है। फिर
इसको यूँ बंद करें। सबसे पहले आपने ये पावर दबाती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट भी स्टार्ट कर दूँ, देखिए स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से, मैं अपने कपड़ों के हिसाब से अपना पानी एडजस्ट करती हूँ कि मुझे होता है कि मैं अपने हिसाब से पानी का लेवल खुद चूज़ करती हूँ। तो ये 6 है, ये मुझे लगता है कि कम है मेरे लिए, तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करती हूँ और बस फिर मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये टाइम आ गया, ये 47 मिनट्स में मुझे ये धो के आराम से दे देगी, सुखा के सब कुछ करके देगी, बस मुझे इसको जाके डाल देना। तो सीखने में कितना टाइम लगा? मुझे सीखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसका इतना मुश्किल नहीं था तरीक़ेकार, मैंने एक दो दफ़ा इसको वो किया और फिर मुझे आ गया। अच्छा, अगर मेरे घर में क्योंकि बच्चे हैं और, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कभी तंग नहीं किया, लेकिन अगर चाहें तो चाइल्ड लॉक लगाएं, तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि आपको क्या करना है और कैसे टब वॉश करना है। तो अगर हम चाइल्ड लॉक लगाना तो दोनों को एक साथ प्रेस कर देंगे, तो फिर कोई बच्चा इसको टच नहीं कर सकता या कोई इसको सिस्टम को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने हिसाब से चलती रहेगी। और फिर ये है कि मैंने ये दो दफ़ा इसको मशीन का इसका टब वॉश किया। इसके लिए पूरा टब क्लीन करने के लिए होता है कि दोनों बटन को एक साथ प्रेस करें, ये प्रोग्राम का, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेट, यहाँ पे सेट लिखा, और यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि टब क्लीन करने का लिखा हुआ है। दोनों बटन एक साथ दबा देते हैं तो फिर ये टाइम लेगी कोई 11 घंटे, 11 से 12 घंटे ही लेती है। फिर आप इसको कुछ टच नहीं करें, ये अपना काम करेगी, खुद ही सफाई करेगी और सारा कुछ टब क्लीन कर देगी जो भी इसमें। अगर चाहें तो इसमें टब क्लीन करते हुए थोड़ा सा सर्फ डाल दें तो फिर ये और अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा सर्फ भी डाल देती हूँ, तो ये टब को मैंने 3 दफ़ा इसको क्लीन कर चुका हूँ। अच्छा, इस पर भी कुछ है, अगर आपके जैसे कपड़े हैं ना, मतलब इसमें आपके गाइड है, आपको गाइड करेगी आपको सारे कि आपके नॉर्मल कपड़े हैवी कपड़े या आपको सिर्फ स्पिन करना है या आपको क्विक वॉश करना है। कभी कभी मुझे होता है कि जैसे कोई कपड़ा होता है बहुत गंदा नहीं होता और मुझे जल्दी भी उसको वॉश करना होता है, फिर मैं इस पर क्विक पे ले आती हूँ उसको, जैसे तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा और फिर ये क्विक पे, फिर आपका टाइम देखिए, टाइम लिमिट 10 से 15 मिनट आ जाता है, फिर आप उसके हिसाब से फिर हम इसको धो लेते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको ये होता है कि लाइट चली गई बीच में, तो आपकी मशीन चल रही है तो फिर आपको दोबारा से वो खुद ही शुरू हो जाएगी चलना, हमें इसको दोबारा से सेट नहीं करना पड़ता। यानी इतनी ज़्यादा मुश्किल मशीन नहीं है कि आप उसके लिए बहुत परेशान हो कि अब लाइट चली गई है, अब सारा सिस्टम आउट हो गया है, दोबारा नहीं चलेगी। इस मशीन का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है फजी लॉजिक। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने बस पावर का बटन ऑन किया और अपने कपड़े डाल दिए और आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया, उससे क्या होगा कि मशीन अपने हिसाब से, वेट के हिसाब से, कपड़ों के वेट के हिसाब से टाइम और वाटर लेवल खुद ही सेट करेगी और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देती हूँ। पावर का बटन हम ऑन कर चुके हैं और बस मैं स्टार्ट का बटन दबा दूँगी। ये वॉश टाइम, रिंस टाइम और स्पिन टाइम इसने खुद ही सब कुछ सेट कर लिया। आपने कभी एयर ड्राई का ऑप्शन यूज़ किया है इसमें? नहीं ना भाई, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, वो वैसे इतना अच्छा ड्राई कर देती कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी इसके इस्तेमाल की। आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि ये मशीन ज़्यादा पानी लेती है या ये उससे कम लेती है मैनुअल मशीन से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लेती है। और दूसरी बात तो ये है कि इसके अंदर जो है वो आपकी चॉइस है ना, आप अगर अपना लेवल कम करना चाह रहे हैं पानी का 6-7, वो तो आपके अपने पर, आप ज़्यादा पानी से धोना चाह रहे हैं आप ज़्यादा उसका लेवल बढ़ा दीजिए। ये बड़ी बात है, मेरा टाइम बच जाता है इसमें, पानी बिजली तो एक अलग कहानी आ गई है इसमें मेरा, और मैं इसमें लगा के मशीन अपने काम शुरू कर देती हूँ करना, तो मुझे इसके सर पे खड़ा नहीं होना पड़ता मुसलसल धोने के लिए कपड़े। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोबारा कभी ज़िंदगी में मैनुअल वॉशिंग मशीन पे जाना पसंद करेंगी या इसी को यूज़ करती रहेंगी? नहीं, इसको तो नहीं यूज़ करूँगी, आप दोबारा कोई और अच्छी वही नहीं, मैं दोबारा मैनुअल पे क्यों जाऊँगी, मुझे इससे आसानी हो गई बहुत ज़्यादा, अब आदत हो गई, और फिर अच्छे से आप कैसे जा सकते हैं दूसरी तरफ। सो इन केस यू आर वंडरिंग, मैंने ये वॉशिंग मशीन दराज मॉल से ऑनलाइन ऑर्डर की थी और इसकी पेमेंट भी हमने कतर में बैठ के ही ऑनलाइन की थी, और ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था पेमेंट का और डिलीवरी का, हमें कोई इश्यूज़ नहीं आए। इसका मॉडल नंबर मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, इफ़ यू डिड देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई शैल बी बैक सून।